सितंबर है बस। एंड बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो एडमिट कार्ड आ चुका है आप लोगों का। एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे डाउनलोड करना ध्यान से समझिए। सर्च बार पे यूपीएससी लिखोगे, स्क्रीन खुलेगी, सीधा ई एडमिट कार्ड पर आप आना। ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी पर क्लिक करना। देखो ये आ गए। सीडीएस का है तो यहां डाउनलोड करेंगे, एनडीए का है तो यहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बता देता हूं कैसे कैसे करना। डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? यस, आप कहोगे हाँ सर। तो अब डाउनलोड करने के लिए यहां जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यस कर लेना। अब बाय रोल नंबर, ठीक है भाई, आपको सिलेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपनी यहां पर डालनी है। कोड डालना पड़ता है इसलिए कि वो ये चेक करते हैं ह्यूमन बीइंग है या कोई रोबोट तो नहीं है, इसलिए ठीक है। अपना रोल नंबर डाल देना और अपना एडमिट कार्ड आप लोगों को निकाल लेना यहां पर सबमिट करके, दैट्स इट। और अगर फिर भी आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए हो तो आप क्लिक करना, ओटीपी आएगा उसी नंबर पर जिस पे आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है, ओटीआर, ठीक है, वहां से आपको फिर वो लेकर जाना है बस। तो ये आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और कुछ ही दिन रह गए आपके पेपर में, तो दिन रात एक करके आप मेहनत कर लो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, जो मर्जी करो, बट इस समय पूरे सिलेबस को लेके मत चलना। मेन मेन टॉपिक्स को उठा लो जहां से मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, और 1 सितंबर को जाकर अपने ख्वाब, अपने सपने, अपने मां बाप के हर सपने को पूरा करना, इस तरीके से पेपर देने बैठना, ठीक है। चलिए, जय हिंद।